सिनेमा जगत में जितनी एक फिल्म की कहानी और हीरो हीरोइन मायने रखते हैं, उतना ही फिल्म का म्यूजिक भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उस म्यूजिक में जान डालता है उस गाने पर परफॉर्म करने वाला आर्टिस्ट। भारतीय सिनेमा में डांस का भी अपने आप में उतना ही महत्व माना जाता है। जिस तरह आज के समय में डांस के नए नए फॉर्म आ चुके हैं, उसी तरह 60 और 70 के दशक में शुरुआत हुई थी आइटम सॉन्ग्स की, जिसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा कैबरे डांस। आज भी फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स का होना फिल्म की जान होता है। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर कितनी भी कमाई करे, लेकिन फिल्म का आइटम सॉन्ग फिल्म की रिलीज होने से पहले ही लोगों के जबान पर चढ़ जाता है। आज मैं स्वाति आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ 70 के दशक की मशहूर कैबरे डांसर हेलेन रिचर्ड के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से, हमारे इस खास कार्यक्रम वो सुहाने दिन में। हेलेन 70 के दशक की एक मशहूर डांसर रही, जिन्होंने अपने डांस और आइटम नंबर से फिल्मों में जान डाल दी। दोस्तों, हेलेन मूलतः हिंदुस्तान से नहीं बल्कि म्यांमार से ताल्लुक रखती थी। हेलेन का जन्म 21 नवंबर 1938 को म्यांमार के यांगून में हुआ। हेलेन का पूरा नाम हेलेन एन रिचर्डसन था। उनके पिता एंग्लो इंडियन थे और माँ बर्मीज थी। हेलेन का एक भाई और एक बहन थे। उनके पिता म्यांमार में एक सैनिक थे और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद हेलेन की माँ अपने बच्चों के साथ भारत आ गई। पिता के देहांत के चलते घर में पैसों की काफी कमी आ गई थी, जिसके बाद हेलेन ने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उन्हें बचपन से ही डांस का काफी शौक था। उस दौरान उनकी मुलाकात हुई अपनी माँ की जिगरी दोस्त और मशहूर डांसर कुकू से। उन्होंने ही हेलेन को फिल्मों में डांस करने की सलाह दी। कुकू की मदद से हेलेन ने शुरुआत की अपनी नई जिंदगी की और बतौर कोरस डांसर उन्हें काम मिलना शुरू हुआ। इनकी शुरुआती फिल्में रही 50 के दशक की शबिस्तान और आवारा। इसके बाद इन्हें जल्द ही बतौर सोलो डांसर भी काम मिलने लगा। 1994 की फिल्म अलिफ लैला और साल 1955 में आई हूरे अरब ने इन्हें और इनके डांस को एक नई पहचान दी। महज 19 साल की उम्र में नाम कमाने वाली हेलेन ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1958 की मशहूर फिल्म हावड़ा ब्रिज के निर्माता शक्ति सामंत ने हेलेन को मौका दिया और उस समय का मशहूर गाना मेरा नाम चिंचिंचू ने हेलेन को हिंदी सिनेमा में बतौर डांसर एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। ये गाना एक एवरग्रीन हिट साबित हुआ और इसके साथ ही हेलेन भी दर्शकों की पहली पसंद बन गई। 60 और 70 के दशक में हेलेन इंडस्ट्री में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। हेलेन ने फिल्मों में काफी बोल्ड सीन्स दिए और काफी छोटे कपड़े पहने, जिसके चलते उन्हें लोगों की काफी कड़वाहट भी सहनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात को अपने करियर पर हावी नहीं होने दिया। हर निर्माता निर्देशक की हेलेन फिल्म के कैबरे डांस के लिए पहली पसंद बनती जा रही थी। शुरुआती दौर में गीता दत्त उनकी आवाज बनी, लेकिन उसके बाद आशा भोसले ने उनके ज्यादातर गानों को आवाज दी। धीरे धीरे लता मंगेशकर भी हेलेन के गानों को आवाज देने लगी और हेलेन बन गई उस दशक की मशहूर आइटम गर्ल। उनके कुछ गाने जैसे कि ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, पिया तू अब तू आ जा, ओ मुंगड़ा और ओ जाने जा काफी सुपरहिट साबित हुए। हेलेन की लव लाइफ पर नजर डाले तो वो मशहूर डायरेक्टर पीएन अरोड़ा को डेट कर रही थी। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों लिव इन में रहने लगे, लेकिन वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। अरोड़ा ने हेलेन को काफी प्रताड़ित किया और उनके बैंक अकाउंट से सारे पैसे भी निकाल लिए। हेलेन अब काफी बेबस हो चुकी थी। फिल्मों में भी काम मिलना उन्हें अब काफी कम हो गया था। उस समय उनके जीवन में मसीहा बनकर आए सलमान खान के पिता सलीम खान साहब। सलीम खान ने हेलेन को संभाला और साल 1981 में उनसे निकाह कर लिया। सलीम खान पहले से ही शादीशुदा थे और उनके घर में उनकी पत्नी सुशीला, बेटे सलमान
अरबाज, सोहिल और बेटी अलवीरा मौजूद थी। इस परिवार ने हेलेन को स्वीकार नहीं किया, लेकिन सलीम खान को इस बात पर पूरा भरोसा था कि हेलेन अपने प्यार और सादगी से इस परिवार में अपनी जगह बना लेंगी, और ऐसा ही हुआ। हेलेन और सलीम खान की कोई औलाद नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया, जिसका नाम रखा गया अर्पिता खान। अब ये एक हंसता खेलता परिवार है और यहाँ सब एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इतना ही नहीं, हेलेन ने सलमान के साथ खामोशी और हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्मों में काम किया। हालांकि अब हेलेन ने फिल्मों से अपना नाता कम कर लिया है, लेकिन उनका नाम आज भी हिंदी सिनेमा में डांसर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, जल्दी अगले एपिसोड में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।